फ्राइडे फेबल्स के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक अभिनंदन, नमस्कार। मेरा नाम है करुणा वर्मा और मैं मॉस्को में एक अध्यापिका के रूप में कार्यरत हूँ। पढ़ना और पढ़ाना मेरे कार्य का एक अभिन्न अंग रहे हैं। यूँ तो मैं भारत के अलावा बहुत सारे देशों में घूमी हूँ, परंतु भारत में बिताया हुआ मेरा बचपन, उस दौरान पढ़ी हुई किस्से और कहानियाँ मेरे हृदय में एक अमिट छाप छोड़ गए हैं। बचपन में पढ़ी हुई कहानी हार की जीत, जिसके लेखक है सुदर्शन जी, उसने एक अमिट छाप मेरे हृदय पे छोड़ी। सुदर्शन जी की कहानियाँ बहुत ही सहज और सरल होती हैं। उनका वास्तविक नाम था बद्रीनाथ और उनका जन्म हुआ था सियालकोट में, जो वर्तमान पाकिस्तान में है। उनका मुख्य लक्ष्य, जो उसकी सुदर्शन जी की कहानियाँ थी, उसका मुख्य लक्ष्य समाज और राष्ट्र को स्वच्छ और सुदृढ़ बनाना रहा है। प्रेमचंद की भांति आप भी मूलतः उर्दू में लेखन करते थे और उर्दू से ही हिंदी में आए थे। सुदर्शन जी की भाषा बहुत ही सहज, स्वाभाविक, प्रभावी और मुहारेदार होती है। सुदर्शन प्रेमचंद परंपरा के कहानीकार हैं और उनका दृष्टिकोण सुधारवादी है। बहुत ही खेद की बात है कि हार की जीत जैसी कालजयी रचना के लेखक के बारे में आज बहुत कम लोग जानते हैं। यदि आप पंडित सुदर्शन जी की जन्मतिथि, जन्म स्थान या कर्म भूमि के बारे में खोलें तो निराशा ही हाथ लगती है। मुंशी प्रेमचंद और उपेंद्रनाथ अश की तरह पंडित सुदर्शन हिंदी और उर्दू में समान रूप से लिखते रहे और उनकी गणना प्रेमचंद संस्थान के लेखकों में की जाती है। लाहौर की उर्दू पत्रिका हजार दास्तां में उनकी अनेकों अनेक कहानियां प्रकाशित हुई हैं। उनकी पुस्तकें मुंबई के हिंदी ग्रंथ रत्नाकर कार्यालय द्वारा भी प्रकाशित हुई हैं। सुदर्शन जी गद्य और पद्य में समान रूप से महारत लिए हुए थे और हार की जीत पहली ही ऐसी कहानी उनकी पहली कहानी थी जो 1920 में सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने प्रसिद्ध गीत भी लिखे हैं फिल्मों में, धूप छांव के प्रसिद्ध गीत बाबा मन की आंखें खोल और एक और अन्य गीत है जो तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा, ये भी सुदर्शन जी का ही लिखा हुआ गीत है। तो ऐसे महान लेखक की लेखनी से उद्धृत हुई कहानी हार की जीत में आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। पर इससे पूर्व कि मैं आज कहानी का आरंभ करूँ, मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी डॉक्टर प्रीति शारदा जी का, जो इस फ्राइडे फेबल्स की रचनाकार हैं। उन्होंने इस मंच की स्थापना करके न केवल हम जैसे दर्शकों को, श्रोताओं को ये मौका दिया कि वो अपनी प्रिय कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो, साथ ही साथ एक ऐसा मंच बनाया है जहाँ से हिंदी साहित्य के अनगढ़ मोती, जो अब तक कहीं खजाने में छुपे हुए थे, युवा पीढ़ी के समक्ष प्रस्तुत करने का एक अनूठा मंच दिया है। तो धन्यवाद डॉक्टर प्रीति शारदा जी। और लीजिए, अब मैं कहानी का आरंभ करती हूँ। कहानी का नाम है हार की जीत और लेखक है सुदर्शन जी। जो माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत ही सुंदर था, बड़ा बलवान। उसकी जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में ना था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और उसे देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव के बाहर एक मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। वे उसकी चाल पर लट्टू थे, कहते ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर भी कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। कहो, इधर कैसे आ गए? सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे
तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है बाबा, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेता है उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो सका हूं बाबा। बाबा भारती और खड़क सिंह दोनों अस्तबल में पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से और खड़क सिंह ने देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी ना गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को भला ऐसी चीजों से क्या लाभ। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों किसी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी इसकी चाल ना देखी तो क्या। दूसरों के मुख से सुनने के लिए बाबा का हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर गए, घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पे तो मानो सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी भी। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी ये घोड़ा मैं आपके पास ना रहने दूंगा। बाबा भारती भी डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रतिक्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और वह ना आया। यहां तक कि बाबा भारती भी कुछ असावधान हो गए और इस भय से स्वप्न के भय के भांति उसको मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीर पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन ही मन फूले ना समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पढ़ा कर रहा है। बोले, तुम्हें क्या कष्ट है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मैं दुखियारा हूं, मुझ पर दया करो। राम वाला यहां से 3 मील दूर है, मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहां तुम्हारा कौन है। दुर्गादत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा, मैं उनका सौतेला भाई हूं। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर उस अपाहिज को अपने घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसके लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा ही उन्हें झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तनकर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई। वह अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर चुप रहे, फिर कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फैलाते हुए कहा, बाबा जी ये घोड़ा अब मैं नहीं दूंगा। परंतु एक बात तो सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका है, अब इस घोड़े के बारे में मैं तुमसे कुछ ना कहूंगा। मैं इसे वापस करने के लिए ना कहूंगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूं, उसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूं, बस ये घोड़ा नहीं दूंगा। अब घोड़े का नाम ना लो, बस मेरी प्रार्थना केवल ये है कि किसी के सामने इस घटना का जिक्र ना करना, किसी के सामने ये प्रकट ना करना। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहां से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना, इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है। खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ ना सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी इसमें आपको क्या डर है। सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे दीन दुखियों पर विश्वास ना करेंगे। ये कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही नहीं रहा हो।
बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसे पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था, इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं ना रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वो कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति ना करके रखवाली करते रहते थे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक नहीं दिखाई पड़ती थी। उन्हें केवल ये ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना ना छोड़ दें। ऐसा मनुष्य मनुष्य नहीं, देवता है। रात्रि के अंधकार में बाबा भारती के मंदिर खड़क सिंह जा पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भी भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई ना देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते, परंतु आज उन्हें किसी चोरी किसी डाके का भय ना था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों के अंदर नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा प्रहर बीत चुका था। चौथा प्रहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन मन भारी कर दिया। वे वहीं रुक गए, परंतु घोड़े ने अपने स्वामी के पांव की चापों को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेराते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते और फिर वे बड़े संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों से मुंह ना मोड़ेगा, अब कोई दीन दुखियों से मुंह ना मोड़ेगा। कहानी इस मोड़ पे आके खत्म हो जाती है और यहीं से एक प्रभाव आपके मन पर छोड़ जाती है। मानवता का एक छोटा सा उदाहरण यहाँ पे हमारे बाबा भारती ने दिया, जिसने एक कठोर हृदय वाले मनुष्य डाकू खड़क सिंह को एक शब्द से एक काम से बदल दिया। क्या हम सब में जो बाबा भारती है, ये कहानी हम सब के अंदर उस बाबा भारती को जगा पाएगी? आशा है ये कहानी आपको भी उतनी ही पसंद आई होगी जितनी ये कहानी प्रस्तुत करने में मुझे आनंद आया, और ये पसंद है मुझे उतनी ही आशा है आपको भी पसंद आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमूल्य समय देने के लिए। नमस्कार।